मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2022 का सफर काफी निराशाजनक रहा है। दरअसल सीजन 15 में 5 मैच खेल चुकी एमआई अभी भी पहली जीत के लिए तरस रही है। पंजाब किंग्स के हाथों बुधवार हुए मुकाबले में टीम को 12 रनों से हार का सामना करना पड़ा और ये मुंबई की इस सीजन में लगातार 5वीं हार है। दरअसल मुंबई की परेशानी यही खत्म नहीं हुई, पंजाब के खिलाफ स्लो ओवर रेट की वजह से टीम पर जुर्माना भी लगाया गया। इस सीजन में मुंबई की ये दूसरी गलती थी तो कप्तान समेत प्लेइंग 11 के अन्य खिलाड़ी भी लपेटे में आए। अगर मुंबई इंडियंस इस सीजन में तीसरी बार ये गलती दोहराती है तो जुर्माने के साथ साथ कप्तान रोहित शर्मा पर एक मैच का बैन भी लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि स्लो ओवर रेट के नियमों के अनुसार अगर कोई भी टीम सीजन में पहली बार ये गलती करती है तो कप्तान पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, तो वहीं दूसरी बार गलती करने पर कप्तान समेत प्लेइंग 11 में शामिल खिलाड़ियों को दंड भरना होता है। वहीं आपको बता दें गलती दोहराने पर कप्तान पर जुर्माने की रकम 25 लाख हो जाती है, तो बाकी खिलाड़ियों को 6 लाख या फिर 25% मैच फीस जो कम हो उसका जुर्माना भरना पड़ता है। मैं आपको बता दें रोहित शर्मा के पास अब गलती करने का मौका नहीं है। मुंबई इंडियंस को इस सीजन अभी 9 और मुकाबले खेलने हैं। अगर वो एक बार भी स्लो ओवर रेट के दोषी पाए जाते हैं तो कप्तान रोहित शर्मा पर एक मैच का बैन लग सकता है। बात मुकाबले की करें तो पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई के सामने 199 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके सामने टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 186 ही रन बना सके। मुंबई का अगला मुकाबला 16 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ है। खैर दोस्तों, मुंबई की टीम को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।